तो न्यू कंस्ट्रक्शन है लेकिन पूरा ओल्ड स्टाइल में बना रखा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। दोस्तों हमने उदयपुर की ट्रिप को एक दिन से ज्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि हमें और भी कुछ चीजें करनी थी जिसका टाइम नहीं बचा था, तो हमने एक दिन एक्सटेंड कर दिया स्टे। लेकिन ये जो लेक पैलेस वाला होटल था ये सोल्ड आउट हो चुका था, इसमें कोई जगह नहीं बची, तो इसलिए अब हमने एक एक्स्ट्रा रात के लिए वो वाला होटल कराया जो खिड़की से दिखने लग रहा है, ओबेरॉय वाला होटल। और ये होटल काफी फेमस है क्योंकि ये जवानी है दीवानी की शूटिंग वहीं पर हुई थी, फिल्म की शूटिंग, काफी अच्छा माना जाता है उस होटल को। तो अभी हम बोट लेकर जाएंगे उस किनारे और देखते हैं क्या होता है वहां पर। तो इस रूम को बाय बाय, आगे चलते हैं हम। वाओ, द पिंक फ्लावर्स लुक अमेजिंग। What an entry door. Looks like a proper palace. तो new construction है लेकिन पूरा old style में बना रखा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा तो ये हमारा कमरा है दोस्तों। इस होटल में साइड में एक सेमी प्राइवेट पूल भी है। बाथरूम पहले दिखाता हूँ क्योंकि बाथरूम बहुत ही बड़ा और कमाल का है। हमेशा की तरह एक बाथटब शावर का एरिया, और यहाँ से इसके बाहर जाकर ये रहा पूल का एरिया, और पीछे पिछोला लेक दिख रही है और बढ़िया से सोलर पैनल्स भी हैं। I like to joke that it's for attention, that you're shooting in front of the window for attention. So people will recognize you. And I know it's because of the light. You need the light. I know. Yeah. I get it. क्या जबरदस्त आर्किटेक्चर है इस होटल का, देखकर लगता नहीं है कि ये नया बनाया गया है, पुराने जमाने से नहीं है ये। इन्होंने बताया साल 2002 में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था, कम्प्लीटली न्यू है, तो इसमें कुछ हिस्टोरिकल नहीं है उस सेंस में, लेकिन फिर भी दिखने में पूरा पैलेस लगता है। अगर आपने ये जवानी या दीवानी फिल्म देखी है तो बहुत सारे सीन्स उस फिल्म के एक्चुअली में इस होटल में और इस होटल के आसपास उदयपुर में शूट किए गए हैं, स्पेशली सेकेंड हाफ में वो जो शादी वाला सीन होता है। अभी अभी शूटिंग खत्म हुई है दोस्तों, और क्या पूल है ये तो कमरे के बाहर निकलते ही इतना बड़ा पूल है, देख रहे हो कहां से कहां तक जा रहा है, सेमी प्राइवेट पूल इन्होंने कहा है। मैं देखता हूँ, वाह। और वहां पर दूर लेक दिखने लग रही है, लेक पिछोला और लेक पैलेस, और ये हमारा कमरा है। तो अब मैं भी थोड़ी स्विमिंग करने चलता हूँ इससे पहले सनसेट हो जाए। तो ये जो पूरा ओबेरॉय होटल है ये एक्चुअली में हंटिंग ग्राउंड्स पे बना हुआ है, पहले ये हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रीनरी, बहुत ही डिफरेंट काइंड्स के बर्ड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, और इनकी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है लेकिन बिल्डिंग छोटे से हिस्से में ही बनी है, तो बाकी एरिया पूरा ग्रीनरी है सिर्फ। Yeah, but that's exactly where the peacocks were. One was sitting there and there. Let me show you something else. Look inside. Pehle se nagin nikali. Right now nothing, but they used to have a look inside and let tigers and peacocks fight there. And then from here they could watch how it's going. Even though I was thinking, won't the tiger always win? A bit cruel. That's lower than my knee. What's the point? Like I can easily fall. Yeah, but still pretty.
No safety standards 150 years ago. One does not sound like the others. No. वाला लेक पैलेस शायद से सबसे सुंदर होटल था इंडिया का, तो ये वाला शायद से सबसे लग्जरियस होटल है इंडिया का। मतलब यहाँ पे आसपास घूम के ऐसा लगता है पता नहीं क्या है, मतलब आप खुद ही देखो। लेकिन सुंदर भी है। Oh, there's a pond here. I'm now convinced that India has the most beautiful hotels, better than anywhere else I've seen. दाल बाटी चूरमा। तो दोस्तों उदयपुर को जाना जाता है मिनिएचर आर्ट के लिए। यहाँ पर एक काफी पॉपुलर चीज है। आज हमारा आखिरी दिन है, हमारी फ्लाइट है करीब 3 बजे की, तो हमने सोचा आज सुबह हम मिनिएचर आर्ट के लिए जाएंगे। ये यूली को बहुत पसंद था, वो करना चाह रही थी, तो इसलिए हम जा रहे हैं। मुझे इतना भी शौक नहीं था। करके देखो, अच्छा लगता है। बोट के दूसरी तरफ वहाँ अमराई घाट है, वहाँ पर एक वर्कशॉप होती है। वहाँ जो बोट है वो एक सोलर बोट है और ये वाली इलेक्ट्रिक बोट है, काफी कम शोर करती है दूसरी बोट के कंपैरिजन में। पैसिफिक आर्ट, दे सेड दे ओनली स्टार्टेड 1 year बिफोर कोविड। स्टोन कलर, मतलब पत्थर से बने हुए। अच्छा, कलर सारे पत्थर से निकले हैं। ये जो कलर है ना, कभी फेड नहीं होते, कभी परमानेंट है क्या कलर? तो कपड़ों पे नहीं लगने चाहिए। ब्रश स्क्विरल टेल से बनी है आपके ऊपर। इसको अपन यूज कर सकते हैं आफ्टर 1 day, आफ्टर 1 month और आफ्टर 1 year। खाली बस इसमें पानी मिक्स करना है जरा सा। तो कलर मिक्सिंग अब ग्लास पे करते हो। सेटिंग भी कलर हमेशा प्लेट पे ग्लास पे अलग से बना। कितनी जनरेशन से आपकी फैमिली ये करने लग रही है? फोर्थ जनरेशन। और आगे भी आपको लगता है कि आप? मेरे बच्चों को सिखाऊंगा, बट मेरे को नहीं लगता कि वो इसी के सारे लाइफ लिविंग चलाएंगे। अच्छा। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है आज के सारे लाइफ मेंटेन करना। अच्छा, पर ये आपकी शॉप कैसी चल रही है? ये अभी कोविड से पहले तक तो सब सही था। अच्छा, किसी तरह को लगता था सही है, बट आफ्टर कोविड। अच्छा, हम 26 जनों का ग्रुप है। पर अब कोविड के बाद अब टूरिज्म वापस रिवाइव आएगा, अभी आया नहीं है। योर पेंटिंग इज लुकिंग वे बेटर देन माइन। सिटी पैलेस, ट्रिपोलिया गेट, मानसून पैलेस, करनी माता टेम्पल, ये पूरा। कितना टाइम लगा आपको ये बनाने में? अब बनाने में 20 दिन लगे, अब मेरे को बनाने में 10 दिन और लगेंगे। अच्छा, या 20 days। ब्लू और येलो कलर हो गया है और अब रेड करना है यहाँ पर। येलो कलर तो होगा अभी तो ऑरेंज। ये कौन सा कलर हुआ? ऑरेंज। चलो ऑरेंज। हमारी प्राइस जो होती है लेबर प्राइस होती है, वो नहीं है कि आप दिल्ली से आए, आप बॉम्बे से आए, आप लंदन से आए। हमारा प्राइस है, मेरा जो लेबर है जिनका, वो वही रहेगा। हाँ। तो अभी तक मेरा हाथी कुछ ऐसा दिख रहा है। यूली का हाथी ज्यादा प्रॉपर है, लेकिन हमारे पास ज्यादा और डिटेल्स करने का टाइम नहीं है। 3 घंटे का नॉर्मली ये वर्कशॉप होता है, तो अभी 1.5 घंटे ही हमारे पास, हमारी फ्लाइट है। तो दोस्तों कभी आओ यहाँ पर तो पैसिफिक आर्ट की शॉप पर जरूर जाना। इसका एक फायदा ये है, इन्होंने बताया, खुद आर्टिस्ट है, इन्होंने अपनी रिसेंटली दुकान खोली थी 1 साल पहले कोविड से, और इससे पहले ही अपनी आर्टवर्क्स को बेचा करते थे बाकी दुकानों पे। तो वहाँ पे जो मिडिल मैन है वो ज़्यादातर पैसा ले जाते हैं। तो ये डायरेक्टली आर्टिस्ट ने खोली हुई दुकान है, तो अगर आप इनके साथ जाकर कुछ भी करोगे, इनसे पेंटिंग्स खरीदोगे, तो डायरेक्टली इनको जाता है, कोई मिडिल मैन बीच में नहीं आता। आपने जो मेक्सिकन बंदे की कहानी बताई थी, ये क्या जी? ये मेरे मेक्सिकन फ्रेंड थे, उनका नाम डेविड था। हाँ, और पहले हम यहाँ पेंटिंग। ऊपर से इन्होंने ये भी बताया कि आर्ट सीखने की दुकान खोल
खोलने का आइडिया इन्हें एक मैक्सिकन आदमी ने दिया था। उन्होंने इनके लिए ट्रिप एडवाइजर बनाया, इनके लिए गूगल मैप्स पे इनको रजिस्टर करवाया जिसकी वजह से लोगों को पता चल सके इनके बारे में। तो बहुत से ऐसे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये चीजें भी करी जा सकती हैं। अगर उन्हें उनके अंदर टैलेंट है, उन्हें आर्ट आती है, वो औरों को सिखा सकते हैं और उसे एडवर्टाइज कर सकते हैं ट्रिप एडवाइजर और बाकी ऐसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। अब बाकी और रियल आर्टिस्ट को ये बताना चाहेंगे कि आप भी अपनी खुद की दुकान खोल सकते हैं, ट्रिप एडवाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी ये चीजें पहले नहीं पता थी। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने अपने आप में आप इतना हौसला बुलंद करो कि अपन खुद अपना शॉप खोल सके, ताकि अपनी मेहनत का पैसा अपन को मिल सके, ना कि कोई बिजनेस मैन वगैरह ये कमावे। ओके, सो दिस इज योर फाइनल? हां, यस, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ओके, नॉट कंप्लीटली कंप्लीट। सो व्हिच ऑफ देम इज माइन, व्हिच ऑफ देम इज योर्स? दे आइडेंटिकल। My elephant is bigger than yours, yeah. And more messy. मेरा नाम ध्रुव राठी है। अगर आप में से कोई आया दोस्तों, इन्हें बता देना ध्रुव राठी के वीडियो देखकर आए हो। इन्होंने बताया कि हम एक्चुअली में पहले कस्टमर है कोविड के बाद से, तो इतनी बुरी हालत है मतलब बिजनेस की यहाँ। हम बहुत खुश है कि हमारे कोविड के बाद में गेस्ट आए हैं। स्मेल आ रही है दोस्तों, फ्रीडम की स्मेल।